मेरा नाम नवमीत है और मैं एक पुलिस हूँ। मेरी पोस्ट एसीपी की है और ये बात उस रात की है जब मैं पुलिस स्टेशन से घर आ रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बजे होंगे। उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था और घर की तरफ जाने के लिए निकल रहा था। मेरे आसपास का रास्ता पूरा सुनसान था। मेरी चारों ओर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था। मैं ऐसे ही गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक रास्ते में किसी ने मेरी गाड़ी रोकी। उसके बाद मैंने गाड़ी से उतर के देखा तो बाहर एक किन्नर खड़ा था। उसको देखकर मैं सोचने लगा, इतने सुनसान रास्ते में इतनी रात को यहाँ पर एक किन्नर क्या कर रहा है। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैंने उस किन्नर से कुछ भी नहीं पूछा। पुराने लोग कह के गए हैं कि किन्नरों का मिलना बहुत शुभ होता है, इसलिए मैंने उस किन्नर को 100 रुपये दिए। उसके बाद वो किन्नर वहाँ से चला गया और फिर मैं अपने घर चला गया। घर जाने के बाद रास्ते में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने अपनी पत्नी को बताया। मेरी ये बातें सुनकर मेरी पत्नी एकदम डर सी गई और उसने मुझे कहा कि वो किन्नर कोई और नहीं, उसका नाम कंचना था। कंचना, और कुछ ही दिनों पहले उसका उसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया था और उसी दिन से उसकी आत्मा उस इलाके में भटकती रहती है। लेकिन आज तक वो किन्नर क्या चाहता है ये किसी को भी नहीं पता। मेरी पत्नी की ये बातें सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और उस वक्त मुझे अंदर से थोड़ा सा डर लगने लगा था। कंचना की आत्मा मुझसे क्यों मिली और उसने मुझसे पैसे क्यों मांगे और वो मुझसे क्या चाहता था ये मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया।